चर्चा प्रारंभ होते ही सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा काबख अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठ इन तखत लाल आगे आए बैठ इन तखत बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। कौन शास्त्र में कहाँ कहिए सो हमें कहो देशाख बहिरा है तुम्हारी सो कहो हमें विध बाख सो कहो हमें विध बाख कही व्यास हरिवंश में धामधनी अक्षरातीत बीतक साहेब के घटना क्रम वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटना क्रमों को जोड़ते हुए सिद्धपुर मेरते के प्रश्न को पूर्ण करने के बाद कल हम दिल्ली के प्रसंग को सुना। दिल्ली के प्रसंग में एक प्रमुख घटनाक्रम श्री लक्ष्मीदास पर राज्य का आवेश और दर्शन लीला ये प्रसंग से राज्य ने क्या सिखापन दी क्या बोध सिखाया क्या दिया राज्य ने इस प्रसंग के माध्यम से कि एक तारतम वाणी श्री उलझम वाणी के वचनों पर एक अतूट आस्था दिलाई एक अतूट निष्ठा दिलाई एक अक्षरातीत पर हमारा कैसा ईमान होना चाहिए अतूट विश्वास अतूट विश्वास करीने दौड़ से जेह तारतम खा फल लेसे तेह। इस प्रसंग के माध्यम से राज्य ने हम सम सुंदर सात को प्रबोधित किया कि सुंदर सात जी चाहे कोई भी आपको तारतम वाणी के कथनों से विपरीत चाहे कोई विद्वान हो संत मनीषी कोई भी चाहे परमंश चाहे राज्य ने बोला कि स्वयं मैं भी कहूँ ने तो भी तारतम वाणी के वचनों से विपरीत नहीं जाना है। ये प्रसंग हमने लक्ष्मीदास के प्रसंग से पूरा ईमान दिलाया
और पहचान करवाई तारतम वाणी की। और आगे श्री जी जब दिल्ली में पहुंचे थे, वहां कई सुंदर सात ठट्ठा नगर और जगह के सुंदर साथ श्री जी को मिलते हैं और औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए क्यामत संबंधी सात निशान और आखरुल साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं। यह संदेश औरंगजेब बादशाह तक कैसे पहुंचाया जाए और उस आत्मा का जागने का कार्य कब पूर्ण हो, इसी को लेकर जो 22 प्रश्न हिंदी में पहले तैयार किए, बाद में फारसी लिपि में तैयार करने का विचार किया, ये आज अगले प्रसंग में हम देखेंगे। और उसी के बाद श्री जी जब बीच में इतनी लीला को पूर्ण करते, हरिद्वार में 12 साल के बाद जो कुंभ का मेला लगने वाला था वही के बारे में सुना, और वहाँ श्री जी युवा सुंदर साथ को लेकर हरिद्वार के मेले में पहुँचे। और कल हमने हरिद्वार के प्रसंग में जो 4 मास तक श्री जी वहाँ रहे सुंदर साथ के साथ और क्या क्या लीला घटित हुई, ये प्रसंग हमने कल विस्तार से सुना कि सबसे प्रथम 4 संप्रदाय विष्णु संप्रदाय की जो 4 शाखाएँ 4 आचार्य के द्वारा चलाई गई, रामानुज आचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य, उसी के साथ श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ और 10 नाम सन्यासी और 6 दर्शन के आचार्य के साथ कैसे श्री जी ने एक रोमांच वाली चर्चा की, कैसे शास्त्रार्थ हुआ, इतना नहीं कैसे तीक्ष्ण तर्कों के साथ इन सब को शास्त्रार्थ में हराया और सब आचार्य जन और भी 4 वर्ण 4 आश्रम के अनुयायी, बहुत मत पंथ के अन्य लोग भी वहाँ पधारे थे और सबके बीच में कैसे इन लोगों ने घोषणा की इन आचार्यों ने कि यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है। और सालिवान शाखा पूर्ण होने के बाद विद्या विनंदन शाखा की जो शुरुआत की, इतना नहीं घोषणा कर दी, उसी नाम की ध्वजा भी फहराई और आरती भी उतारी, ये आज हम अगले प्रसंग में हम आगे बढ़े। इस प्रसंग में आप आगे सुनिए सुंदर साथ जी के कल के प्रसंग को, हमने जब 6 दर्शन के आचार्यों के साथ कैसा शास्त्रार्थ रहा वहाँ तक का आपने घटनाक्रम कल के प्रसंग में सुना। और उसी के बाद जब श्री जी अपने निजानंद संप्रदाय की पद्धति को सुनाने जा रहे कि हमारा क्या संप्रदाय, क्या मंत्र, क्या आगे आगे सब के बारे में जो आगे बताएंगे, क्या मंत्र है, क्या इष्ट है, क्या देवी है, तो इससे पहले हम सुंदर साची आगे जो प्रसंग को हम पूर्ण करें, ये हरिद्वार का जो आधा छूट गया था कल का, तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए इस विद्याभिनंद बुद्ध जी की जहाँ जहाँ साक्षियाँ धर्मशास्त्र में दी गई थी, तो कल भी मैंने अंतिम थोड़ी जल्द जल्द में पूर्ण की थी, आज हम इस साक्षी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाए। तो कल श्री जी ने जब बताया कि हमारी साक्षियाँ को देखना है तो आप
महेश्व तंत्र पुराण संहिता बृहद सदाशिव संहिता बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र हरिवंश पुराण ऐसे भविष्य कथन कहते हुए भविष्योत्तर पुराण ऐसे भविष्यवाणी कहते हुए ग्रंथों को आप खोल कर देख लीजिए हे संत जनों हे आचार्य जनों। तो आज हम इस साक्षी में आगे बढ़े तो बुद्ध गीता की भी एक साक्षी है कि अक्षरातीत एषो वह पुरुष बुद्ध उच्यते। क्या कहा? अक्षरातीत एषो वह पुरुष बुद्ध उच्यते। कि जिसको अक्षरातीत जिसको पार ब्रह्म जिसको सच्चिदानंद कहा गया है धर्मशास्त्रों में वही अक्षरातीत वही परब्रह्म वही सच्चिदानंद श्री विद्याबिंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। और आगे और भी तारतम वाणी के भी बहुत से प्रमाण है और सोलह सोने साकारे पूर्ण भये बैठाने साखा विद्या अभिनंदन सोलह सोने साका पूर्ण भये विक्रम संवत 1735 बैठाने साखा विद्या अभिनंदन का यो शास्त्र कहे ज्योतिष। और कल सालिवन साका तो गतम सोड़ाकम सातम जीव सृष्टि उदाहरण भविष्यति बुद्ध बहादुर भविष्यति। तो ऐसे जो साक्षियां दी गई थी कि अंतिम कलयुग के अंतिम चरण में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का प्रकटन होगा वैसे एक और भी साक्षी कि अगाध ज्ञान जल सुपतितासु पियाचुस महा कृपा जो कृपा के सागर कौन जो अगाध ज्ञान के सागर कृपा के सागर श्री अक्षरातीत इस संसार में कब आएंगे? तो आगे बताया कि जब परमधाम की आत्माएं इस संसार में अज्ञानता रूपी मोह के सागर में डूब जाएगी तब कृपा के सागर ज्ञान के सागर धाम धनी अक्षरातीत उसको निकालने के लिए इस संसार में आएंगे। तो ऐसी कई सी साक्षियां सुंदर साची दी गई और तारतम वाणी के आधार पर भी हम और किरणतन को सुने कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा उपजो सुख संसार में भले भले सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा आये धनी श्री धाम। क्या बताया इस प्रकरण के माध्यम से कि हे कृपा निध हे सुंदर वर श्याम। सुंदर वर श्याम कौन है? हमारी आत्मा के प्रियतम अक्षरा तीत युगल स्वरूप राज श्यामा जी ये हमारी आत्मा के प्रियतम है प्राण नाथ है प्राण आधार है प्राण जीवन है प्राण घन है प्राणेश है। तो यहाँ क्या बताया कि हे प्राणधार सुंदर साथ जी ऐसा प्राणों के जीवन प्राणों के नाथ प्राणेश अक्षरातीत युगल स्वरूप कृपा निध कृपा के सागर आनंद के सागर
मेहर के सागर भले भले सुंदर वर्षा माँ उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। ऐसे अक्षरातीत इस संसार में आए कब आए? आज से 400 वर्ष पूर्व। और क्या बताया कि पूरे संसार को सुख देने के लिए, पूरे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए वो आए, तो इस संसार को क्या गिफ्ट मिलेगी? वो आए तो इस संसार को क्या सुंदर साजी शोभा मिलेगी? तो यहाँ बताया कि उपजो सुख संसार में निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनि राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। ये संसार में धनी आए तो पूरे संसार को अभी तक किसी की दृष्टि शून्य निराकार नारायण से आगे नहीं गई थी। वो शून्य के जीव, इस स्वप्न के जीव की दृष्टि सीधी बेहद में पहुँचेगी। बेहद नहीं, जो वो विरह और प्रेम की राह अपनाएंगे, ध्यान साधना चित्वनी करेंगे, तो सीधी दृष्टि उसकी क्या पहुँचेगी, कहाँ पर पहुँचेगी? कोरे में कोरे जीव की भी दिव्य परम धाम में पहुँचेगी। इतना नहीं, राजी ने तो निस्बत के सागर में ये भी बता दिया कि यही स्वरूप निस्बत के काहू न देवे देखाए, बदले आप देखावत प्यारी रूह रखे छिपाई। आगे क्या बताया कि राजी खुद का अपना दर्शन करा देंगे किसको? संसार के जीवों को, लेकिन ब्रह्मात्माओं को कहाँ रखेंगे? अपनी नजर तले, कबाई तले, छत्र साए में ब्रह्मात्माओं का दर्शन संसार के जीवों को नहीं होगा। राज्य क्या बताया इस चौपाई में कि मेरा दर्शन तो शायद वो विरह और प्रेम की राह पर जीव चलेगा तो मेरा दर्शन तो होगा, तो कितनी बड़ी शोभा इस संसार को मिलेगी। कौन आया है? कृपानिध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्यामा उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। और आगे ऐसा समया जान बुद्ध जी आए कोट समशेर, ये सोर शब्द बानन का सुन से हो गए सब जेर। ध्यान से सुनिए क्या बताया, ऐसा समया जान बुद्ध जी, कैसा समया जो पहले से धर्म शास्त्रों में साक्षियां दी गई थी, और हमने पहले दिन भी सुंदर साजी सुन लिया चर्चा में कि तापर अवतार होएगा, कब होएगा? तापर औरंगजेब भये यही कलयुग के नाम, तापर अवतार होएगा बुद्ध कल के स्थान। अवतारों पर अवतार हुआ, अवतार का क्या काम? मतलब अभी अवतार की कोई जरूरत नहीं, अवतारों ने इत क्या किया? नहीं दई बक्का की शुद्ध, अभी तक अवतार तो बार बार सत त्रेता द्वापर युग बीतते थे, बार बार अवतार आते थे। क्या जो ये ब्रह्मांड बना है स्पेशल, क्या इस ब्रह्मांड में जो ये 22 अवतार आए, पहले 22वां अवतार श्री कृष्ण का रहा और जो अखंड ब्रजरास की लीलाएं हुई, तो यहाँ प्राणा जी ने वाणी में बता दिया कि सुके अवतार सब कहया बुद्ध में रहिया उड़ जाए। क्या बताया? सुके अवतार सब कहे लेकिन बुद्ध में रहिया उड़ जाए। सुखदेव मुनि ने सब अवतार का वर्णन किया, लेकिन 22वें अवतार में भी, कृष्ण अवतार में भी अंदर संशय रह गया, शंका रही, क्योंकि कृष्ण की जो त्रिधा लीला थी, तीन भेद थे, वो सुखदेव भी नहीं बता पाए। तो 23वें अवतार बुद्ध अवतार, बुद्ध स्वरूप, और 24वें कल के स्वरूप का कैसे वर्णन कर पाएंगे? ध्यान से सुनिए आगे प्रसंग को क्या बताया,
तो इस बार ये जो ब्रह्मांड बना, कभी भी तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी ना कोई, क्या है कहीं ब्रह्मांड हुए कहीं हुए सी, लेकिन किन ब्रह्मांड, ऐसे मोह सागर में पानी के बुलबुले की तरह अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, पल में लय हो जाते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड बना है ऐसा वाला कोई ब्रह्मांड नहीं बना है, पूर्व में भी नहीं बना था, कालांतर में और आने वाले समय में भी नहीं बनेंगे। ये जो ब्रह्मांड बना है इसी में बुद्ध स्वरूप और कल्कि स्वरूप आए हैं, और इस संसार में जो सपने की बुद्धि थी ऐसा समय या जान बुद्ध जी आए कोट सूर समशेर, कैसी तलवार, ज्ञान रूपी तलवार लेके आए, कोट मतलब एक वचन से, एक तलवार से जैसे कई लोगों को बिंधा जा जाए ऐसे एक वचन से कई लोगों को ज्ञान की धरातल पर। आज देखो ना यहाँ जो हरिद्वार के कुंभ के मेले में श्री जी ने बस इतना ही बोला कि तुम कोई इस जगत की बताते हो हे आचार्य जनों, कोई जगत की थोड़ी कुछ परे की, तो आपके जीव का अस्तित्व कहाँ रहेगा, आपके सिद्धांतों का अस्तित्व कहाँ रहेगा, आपके जीव की मुक्ति का ठिकाना कहाँ रहेगा, कितना बोला, इतना तो श्री जी ने बोला, तब तो सब क्या हो गए, सब गिर गए, सब मौन हो गए, क्या उसी के पास कोई जवाब था। और आगे भी हमने हरजी व्यास का प्रसंग देखा, चिंतामणि का देखा, अलग अलग स्थानों में अभी और प्रसंग देखते जाएंगे, किससे ये हो रहा है, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, और आगे निज बुद्धि का खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान भी आएगा। यहाँ क्या बताया कि बुद्ध जी ऐसा समय जान बुद्ध जी और सोर शब्द बानन का, क्या शब्द, तारतम ब्रह्म ज्ञान रूपी शब्द, सब जहर सब गिर गए। और आगे और भी बताया, बुद्ध जी बैठे बरस सहस्र हजार चार, चार हजार साठ बीते या समय, जग को भयो आचार। जो रास खेल के ध्यान से अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि रास खेल के योग माया ब्रह्मांड से फिर कहाँ चली गई थी, अक्षर धाम में, और कहाँ तक उसने इंतजार किया, 4660 साल तक उसने ये इंतजार किया कि कब ये जागणी ब्रह्मांड की लीला हो, कब ये बुद्ध जी श्री प्राणनाथ जी आए। और इतना नहीं, तब ये बुद्धि ने सोचा कि मैं उसी के अंदर, किसके अंदर, महामती के धाम दिल के अंदर बैठकर मैं भी अक्षरातीत के माहौल के अंदर की जो प्रेम और आनंद की लीला हो रही है ये मैंने अभी तक नहीं जाना है। ध्यान से सुनिए एक एक बात को कनेक्शन, जो ब्रज में अक्षर की आत्म तो थी कृष्ण के तन में लेकिन वाणी नहीं उतरी थी, तो आनंद और इश्क की लीला की पहचान नहीं हुई। रास में भी अक्षर की आत्म थी तभी भी वाणी नहीं उतरी थी, और ये प्रमाण श्रृंगार ग्रंथ के प्रथम नंगवर के प्रकरण में बता दिया। ध्यान से, ब्रह्म सृष्टि हति ब्रज रास में, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, प्रेम हतो लक्ष्य बिना सो लक्ष्य लियाय अवल रूहल्ला न था आखरी इलम पुरण। मुकेद बात लेकिन मुतलक बात क्या बताया कि ब्रह्म सृष्टि ब्रज रास के बाद चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी के टाइम में ब्रज रास धाम की बात तो हुई, लेकिन आखरी इलम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी थी तो जाहिर नहीं हुआ। तो यहां क्या बताया कि ये असराफिल की बुद्धि ने कहां तक राह देखी, जब विक्रम संवत 1735 में आगे जब
हरिद्वार से आगे, दिल्ली से आगे, रामनगर से जब खिलवत की वाणी शुरू हो जाएगी तो यहाँ 1735 से लेकर 1745 से लेकर 45 तक 10 साल जो 10वीं सदी के थे वो पूर्ण हो जाते हैं। और आगे जो लीला होती है, और ईसा पातशाही बरस 40 और 11वीं सदी के यहाँ 10 साल पूर्ण हुए, और 12वीं सदी के प्रथम 30 साल और आगे के 17 साल जो बचे वो बुल श्राद्ध के कहे गए। तो उसी के टाइम जो वाणी उतरेगी तब असराफिल जो जागृत बुद्धि है उसको भी तब पहचान होगी कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम और आनंद की लीला क्या हो रही थी। तो ये चौपाई के माध्यम से क्या बताया कि बुद्ध जी बैठे बरस 1004, तो रास खेल के बुद्धि चली गई। तीसरे दिन मोहम्मद साहेब के समय में ब्रह्म सृष्टियाँ नहीं उतरी थी। चौथे दिन में सदगुरु धनी देवचंद्र जी के समय भी वाणी नहीं उतरी। तो पांचवें दिन में भी कहाँ तक इंतजार करना पड़ा, विक्रम संवत 1735 तक। और कल हमने देखा कि मेरते के अंदर से जो ला इल्ला इन रसूल इल्ला मोहम्मद रसूल इल्ला का जब बांग के माध्यम से ये कलमा सुना तब ये कतेब पक्ष का ज्ञान भी महामती के धाम दिल में ये शक्ति तो थी लेकिन जाहिर होने लगा उस समय। तो यहाँ हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए और आगे इस घटनाक्रम में हम बढ़े तो सुंदर साजी ये समय कितना महत्वपूर्ण था। मेरे कहने का भाव क्या, समय जब कल हमने चार आचार्य वैष्णव संप्रदाय के 6 दर्शन शास्त्र के और दशनाम सन्यासी के साथ श्री जी को श्री विद्याभिनंदन बुद्ध स्वरूप के रूप में जाहिर किया। इतना नहीं, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, जीव सृष्टि और ईश्वरी सब आए करो दीदार। आगे क्या बताया, प्रगटे ब्रह्म ब्रह्म सकल में और ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत की आवेश शक्ति का आना हुआ। और वो कौन है तो ये आगे बताया कि ब्रह्म सृष्टि के अक्षरातीत कौन है, प्राणों के आधार है, सिरदार है। और यहाँ बताया कि हे जीव सृष्टि के जीव, हे ईश्वरी सृष्टि के जीव, तुम आई के दीदार करो। अभी तक तुम नारायण से आगे नहीं गए थे, जीव सृष्टि को बोला, तो तुम उसका दीदार करो। और कल भी हमने किरंतन सुना था, आए आगम वाणी इतम मिली, विश्वमुख करत बखान, कोल सबन के पूरे भये, आए पहुँचे निशान। क्या बताया, आए आगमवाणी इत मिली, जो भविष्यवाणी कहते हुए जो धर्म ग्रंथ थे उसी कथन के अनुसार ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हो चुके हैं। कोल सबन के पूर्ण भये, क्या बताया, जो सबने भविष्यवाणी इस समय की जो की थी वो सब कोल यहाँ पूर्ण हो गए, सिद्ध हो गए। और आके अंतिम क्या बताया, ये निशान आए पहुँचे निशान। और निशान भी क्या था, साक्षियाँ भी मिली, कथन भी पूर्ण हुआ, और निशान क्या था, एक अधिक मास तो एक साल में होता है, 13 महीने का एक वर्ष होता है, एक अधिक मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, लेकिन एक साल में एक मास का क्षय नहीं होता, कम नहीं होते। लेकिन जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हुए
तब 11 महीने का वर्ष था और धूम्रकेतु नाम के तारा भी आकाश में उग निकल आया। तो यह सब निशानी भी मिली। तो जो आचार्य लोगों ने धर्म ग्रंथों पढ़ के रखा था कि उसी के अनुसार ये तो प्रकट हो चुके हैं हरिद्वार के अंदर। और आगे सुंदर साथ जी जो अभी हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर किनारे पर जो ब्रह्म चबूतरा बना हुआ है, यहाँ से हरिद्वार 70-80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ना, वहाँ जो गंगा नदी के तट पर ब्रह्म चबूतरा बना है वहाँ श्री जी बीच में बैठे हैं अपने सुंदर साथ के समूह के साथ, जमात के साथ, और आसपास में सब संप्रदाय के आचार्य संत जन और अन्यायु अलग अलग मत पंथों के पंथ पेड़ों के और भी साधु संत वहाँ मनुष्य जन बैठे हैं। उसी समय जब श्री जी की आरती उतारी गई, क्या आरती उतारी, भाई भाई ने नौ खंडो, भाई भाई ने नौ खंडो आरती, श्री विच्या अभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन उतारती, सखी आप पिया परवारती, भाई भाई ने नौ खंडो आरती, दुष्टाए सबो की संगारती, प्रेम आनंद विस्तारती, भाई भाई ने नौ खंडो आरती, ये सैया सबे सिंगार साजती, मिने सुरत पिया जी को विराजती, भाई भाई ने नौ खंडो आरती। क्या बताया इस आरती के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से धाम धनी ने क्या समझाया हम सब सुंदर साथ और संसार के जीवों को, कि ये सुंदर साथ जी हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर जब हम सभी आचार्य जनों के बीच में बैठे थे तब ये भाई भाई ने नौखंडों की आरती जब उतरी, तो क्या आरती, कोई 5 दीपक वाली, क्या कोई 11 या 32 दीपक वाली, 108 दीपक वाली, क्या एक रुई की या घी डाल के जो हम रोज सेवा पूजा के समय हम आरती उतारते हैं युगल स्वरूप की, तो क्या वो आरती नहीं। यहाँ ये आरती तो एक जाहिरी आरती उतारी, लेकिन आरती का बाह्य भाव न लेकर यहाँ कोई गुह्य रहस्य धामधनी ने बताया। क्या यह समर्पण वाली, त्याग वाली, तप वाली आरती उतारी। मैं आज 3 दिन से बता रही हूँ कि ब्रह्मात्मा अपने तप, त्याग और समर्पण के बल पर ही अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती है, अपना सब कुछ समर्पण कर सकती है। यहाँ संसार के जीवों को तो एक संदेश दिया आरती के रूप में, लेकिन ब्रह्मात्माओं ने अंदर का क्या गुह्य भाव लिया, आप ध्यान से सुनिए कि भाई भाई ने नौ खंडो आरती, यहाँ नौ खंडों में जो आरती उतारी गई, जो भारत खंड जम्बूद्वीप उसमें जो नौ खंड बताया गया है, केतुमाल खंड, ऐसे नौ खंड, उस नौ खंडों में कैसे प्रेम भरी, प्रेम से भरी शोभा वाली एक आरती उतारी, कैसे वो सब आचार्य जनों ने उतारी, लेकिन यहाँ इंद्रावती की आत्मा सब आत्माओं को प्रबोधित करती हुई कहती है कि सुंदर साची यहाँ तो एक जाहरी आरती उतरी, लेकिन ये आरती जब बाघ बकरी एक संग चरे सुखे चरे, कोई ना करे किसी को झेर, सुखे चरे चुंगे उड़ गयो सबको जहर। मतलब बाघ बकरी एक बड़े मठाधीश या कोई भी गदिपति या कोई भी विद्वान या महापुरुष, उसी के साथ एक छोटे से छोटे व्यक्ति, कोई एक छोटा सा
छोटा मनुष्य भी एक साथ एक संग रहेंगे, किसी के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष भेदभाव नहीं रहेंगे, सब आपस में सबके अंदर एक चैतन्य को देखेंगे, सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे। लेकिन सुंदरसा जी, यह घटना तो यहाँ नहीं घटित होगी, यह लीला तो यहाँ नहीं पूर्ण होगी, यह नौ खंडों में आरती यहाँ तो सिर्फ बस एक आधार लेकर यह बताया गया, यह तो योग माया ब्रह्मांड में सातवें दिन में यह आरती उतरेगी। कब? सातवें दिन में योग माया ब्रह्मांड में यह आरती उतरेगी। यहाँ यह आरती उतरने वाली नहीं है, सब संसार के जीव योग माया ब्रह्मांड में कब पहुँचेंगे? जब राज्य अपने दिल में लेंगे। कब लेंगे? तब आगे सुंदरसा जी वाणी में उसकी उसका प्रमाण दिया है कि असराबिल जबराइल जो दोनों फरिश्ते हैं वो हमारे अंदर बैठ के हमारी वकीलात कर रहा है, और ये दोनों यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, आगे जाके पहले विष्णु को जगाएंगे, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद आगे जाएंगे अक्षर को जगाएंगे, जो अक्षर भी अभी स्वप्न देख रहे हैं उस सपने में नारायण बने हैं, और अक्षर जब जगेंगे तो ये नारायण का जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो समाप्त हो जाएंगे, और अक्षर के अंदर ऐसी खुमारी अंदर चढ़ेगी, कैसी? वो 50 साल तक नहीं उतरेगी, ऐसी खुमारी अंदर चढ़ेगी। इतना नहीं, और भी आगे बताया कि सुंदर साची तब ये जब ब्रह्मांड लय होगा तो सब जैसे विष्णु जगेंगे तो विष्णु को मानने वाले संसार के सभी जीव एक परब्रह्म की पहचान कहाँ करेंगे? सातवें दिन में योग माया के ब्रह्मांड में। और सब जीव धामधनी आए तो बताया कि मैं आया हूँ तो इतनी बड़ी गिफ्ट इस संसार को देके यहाँ से सबको लेकर जाऊँगा। कैसे? कि कभी भी इस संसार के जीवों ने प्रकाश किया है, ये आत्मज्ञान किया है, ये ब्रह्म ज्ञान किया है, इस संसार से परे मुक्ति का धाम किया है, और अखंड भेद भूमिका से परे दिव्य परम धाम किया है, ये किसी को अभी तक पता नहीं था, मालूम नहीं था। तो संसार के सभी जीव सातवें दिन में जब अखंड योग माया ब्रह्मांड में पहुँचेंगे तब सबकी करनी के हिसाब के अनुसार वहाँ सबका न्याय होगा, और सात प्रकार की विस्त में सबको अपने करनी के हिसाब से सत्स्वरूप की पहली बहिस्त में जो हम सब ब्रह्मात्मा है इस खेल में खेल देखने के लिए आई है, तो अंदर एक जीव भी है, एक आत्मा भी है, तो ये जीव का स्थान सत्स्वरूप की पहली बहिस्त में प्राप्त होगा, और ईश्वरीय सृष्टि ने जिस तन का आधार लिया है उसी के अंदर जो जीव बैठा है वो सत्स्वरूप की दूसरी बहिस्त में स्थान प्राप्त करेगा। फिर सत्स्वरूप से और नीचे आइए तो केवल ब्रह्म में कोई मुक्ति के विस्त नहीं है, कोई अखंड के मुक्ति के स्थान नहीं है। फिर सबलिंग के अंदर तीन है, तीसरी महम्मद विस्त, उसमें जो महम्मद के समय में उसको मानने वाले और पांच नियम को मानने वाले जो अनुयायी थे वो तीसरी बहिस्त में पहुँचेंगे। चौथी बहिस्त अखंड मुक्ति के स्थान में कौन पहुँचेंगे? तो बांके बिहारी रास बिहारी कृष्ण को मानने वाले चौथी बहिस्त में पहुँचेंगे। तीसरी में मोहम्मद साहेब, चौथी बहिस्त में रास बिहारी कृष्ण को मानने वाले, पांचवी में बाल मुकुंद को मानने वाले। ध्यान से, बाल मुकुंद को मानने वाले जीव वहाँ पहुँचेंगे। छठी बहिस्त में त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश
प्रकृति कहीं पैदा करे ऐसे कहीं डालम ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक ये त्रिगुण की परातम। क्या कहा? सबलिक का स्थूल और अव्याकृत का महाकारण वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो मूल स्थान है तो और त्रिदेव को मानने वाले का जीव छठी बहिस्त में पहुँचेंगे। सातवीं बहिस्त में ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर अवतार ये सब तपस्वी लोग जो अभी तक इंतजार कर रहे थे आउसी रे आउसी सब कोई कैसी आगमी करते पुकार और प्रभु विश्व का धनी मेरा। क्या बोला? प्रभु विश्व का प्रभु परमात्मा को प्रभु प्रभु कहते पुकारते थे वो सब और जो तपस्वी लोग ध्यान करते करते शून्य में लीन हो गए थे उसकी नेत्र जो परब्रह्म के प्यासे थे उस दर्शन के लिए वो प्यासे थे वो उसकी आंखें भी वहाँ तृप्त होगी। कहाँ तृप्त होगी? कहाँ तृप्त होगी? सातवीं बहिस्त में। पिया मिलन की आस जो दर्शन की जो आस थी एक परब्रह्म की खोज में जो लगे थे वो भी सातवीं बहिस्त में सातवें प्रकार की बहिस्त में वह पहुँचेंगे। और आठवीं बहिस्त में कौन पहुँचेंगे? सुंदर सा जी आठवीं बहिस्त में संसार के कोरे से कोरे जीव भी जिसने कभी परब्रह्म की भक्ति तो दूर की रही लेकिन आगे बताया कि कर्म कांड की भक्ति पानी पत्थर अग्नि जड़ पूजा को नहीं छोड़ा वो भी कहाँ पहुँचेंगे? अखंड बहिस्त में। तो यहाँ हमने आठ प्रकार की जो बहिस्त की बात रखी तो ऐसे श्री प्राणनाथ जी इस संसार में आए आए धनी श्री धाम। और यहाँ हम नवखंड आरती की बात कर रहे थे सैया सबे सिंगार साजती मीने सुरत पिया जी को विराजती। सिंगार क्या सजा ब्रह्मात्माओं ने? अंदर प्रेम का शील का संतोष का धैर्य का करुणा का लज्जा का और अंतिम सुंदर सजी प्रेम का सिंगार सज के। और ये आरती मैंने अभी पूर्व चर्चा में बताया कि ये आरती अखंड योग माया ब्रह्मांड में उतरेगी। तो यहाँ राज्य ने नवखंड आरती के माध्यम से हमको क्या बताया कि हे सुंदर सा जी ये अखंड योग माया ब्रह्मांड में सब अपनी करनी के हिसाब के अनुसार ये जीव अखंड हो गए और इसी नाम की ध्वजा भी फहराई और शाखा भी शुरू की। और आगे जब उन आचार्य जन उन संत जनों ने श्री जी को क्या पूछा कि श्री जी आप भी धर्म ग्रंथों के प्रमाण के साथ आपका इष्ट आपका गोत्र आपका धाम सब कुछ हमको धर्म ग्रंथों के प्रमाण के साथ पुरवार करके हमारे हृदय को संतुष्टि कीजिए। तब जाके श्री जी ने सबसे पहले क्या बोला कि भाई राह है तुम्हारी सो कहो सो हमें कहो दे साख यह है तुम्हारी सो कहो विदला भाख। क्या बताया? ये तुम्हारी जो हमें कहो दे साख ये सब सब आचार्य जन संत जनों ने कहा
कि तुम भी शास्त्रों में कहाँ कहाँ तुम्हारी साक्षियाँ लिखी हुई है, या अम्मा हमको सब कुछ बता दो। तब श्री जी ने जाके आगे बताया कि कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रते सुनो विरोध तजसार। श्री जी कहते हैं कि आप अपने अंदर का क्रोध अहंकार ये सब छोड़कर पहले अपने हृदय को खाली करो। अपने जीव के दिल के अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मह, मत्सर, मद, अहंकार, जो भी है ये खाली करो। आपके अंदर ये क्रोध या अहंकार रहेगा तो ये बात आपके अंदर जाएगी नहीं। यहाँ श्री जी किसको समझा रहे? तभी तो श्री जी ने ये सब आचार्य जन संत जनों को समझाया। आज अभी श्री जी किसको समझा रहे कि हे सुंदर साथ जी, आपको ये ब्रह्म ज्ञान आत्मसात करना है। जो आपके अंदर एक सूक्ष्म भी अहंकार या क्रोध जो रहेगा ने, तो आपके अंदर जो बनी हुई खूबियां है, जो आपके अंदर प्राप्त की हुई जो निधियां है, ये सब नष्ट हो जाएगी। क्रोध क्या करेगा? और जो मैं बोलूंगा ने वो भी आप आत्मसात नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, पहले अपने क्रोध और अहंकार को समाप्त कर दो। और आप सुनिए कि हरिवंश पुराण में व्यास मुनि जन्मेजय राजा को क्या बात बताते हैं। ये पहले प्रमाण लेके श्री जी अब आचार्य जन संत जनों को समझा रहे। 28वें द्वापर में व्यास मुनि जन्मेजय राजा को समझा रहे कि हे जन्मेजय राजा, क्या घटने वाला है आने वाले समय में, भविष्य में क्या घटने वाला है। तो आगे बताया कि ब्रह्म रूप मुनि प्रगट है दुर्घट सब थे जोय। ऐसे ब्रह्म रूप मुनि आने वाले हैं कब, जो कभी भी कोई काल में वो नहीं आए हैं, कभी भी कोई काल में नहीं आए हैं। और अभी जो द्वापर चल रहा है ना, अभी भी नहीं है। आने वाले कलयुग में 28वें कलयुग में वो ब्रह्म रूप मुनि आएंगे। उसका प्रमाण देके क्या बोला, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पनाया कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया कथा योगेन तान सर्वान पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारण। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पनाया कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। ये कोई काल में नहीं आए थे, अभी भी नहीं है द्वापर में, तभी बोले, और भविष्य में कलयुग में आने वाले हैं। और कौन है ये ब्रह्म की आत्माएं है, ब्रह्म रूप मुनि है, और एक प्रधान पुरुष, एक अक्षरातीत, एक सच्चिदानंद के आश्रय में रहने वाली वो ब्रह्मात्मा है। तब जाके जन्मेजय, ध्यान से सुनिए, तब जाके जन्मेजय राजा ने क्या पूछा व्यास मुनि को कि क्या सतयुग से लेकर जब ये मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई आदि नारायण के संकल्प से, तब से जो प्रथम योगी ऋषि जन जो प्रकट हुए सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र से लेकर, क्या अब तक द्वापर तक क्या कोई ब्रह्म रूप नहीं थे? तब क्या जाके श्री जी ने बताया, वहां व्यास मुनि बता रहे किसको, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा को, कि नहीं, सनकादि से लेकर अब तक कोई ब्रह्म रूप नहीं थे, ये तो कलयुग में आने वाले हैं। तब जाके फिर जन्मेजय राजा ने पूछा कि व्यास मुनि,
उसकी क्या निशानी होगी। तब आगे बताया, कथा योग्य नक्तान सर्वान पूज्यंसि मानवा। वो ऐसी कथा कहेगी, कैसी चर्चा करेगी, कैसी कि अकथ कथा नव तन कहे। अभी भी कथा, इसमें कथा शब्द इस्तेमाल किया है, तो बताया कि अभी भी किसी ने ऐसी अकथ कथा कभी किसी ने सुनाया नहीं है, कभी किसी ने ऐसी कथा कही नहीं है। नई बात करेगी, कैसी, अवलोकिक दिव्य परम धाम की, अखंड ब्रज रास की वो बात करेगी। अकथ कथा नवतन कहे, और यहाँ बताया कथा योगिन तान सर्वान पूज्यंसि मानवा यस्य पूजा। और ऐसी वो चर्चा करेगी अखंड की, व्रज की, रास की, दिव्य परम धाम की, तो संसार के सभी जीव उसका उसकी पूजा करेंगे, उसको मानेंगे। वैसी वाली आरती वाली पूजा नहीं, भोग लगाने वाली पूजा नहीं, उसको सम्मानित करेंगे संसार के जीव। और आगे क्या बताया, जन्मेजय राजा को व्यास मुनि ने बोला, तब जन्मेजय राजा ने बोला कि उसकी निशानी क्या है, कोई तो पहचान होगी, क्योंकि यहाँ तो सब मानव का आकार समान है, यहाँ तो सब मानव के आकार समान है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये चल रही है रास्ते पर ये ब्रह्म सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है। क्या यहाँ कोई लेबल होगा, क्या यहाँ कोई टैग होगा, या क्या वेशभूषा से पहचानी जाएगी? तो वेशभूषा भी इस संसार में बहुत सी, अनेक मतपंथों के साधु संत ने बहुत से लोगों ने धारण की है, तो उसमें से हम कैसे पहचानेंगे? क्या कोई कोई जाति, कोई वर्ण, या कोई बंधन में वो बंधी होगी? तो बोले नहीं, ऐसा कोई बंधन में वो नहीं बंधेगी, कोई जाति पाति वेश भूषा देश काल किसी में वो बंधने वाली नहीं, वो सर्वथा इससे परे है वो। तो आगे जाके फिर जन्मेजय राजा ने पूछा, तो क्या निशान है उसका, ये किसकी बात चल रही है, किसकी पहचान की बात चल रही है? अगेंद्र निंदा रही है क्या, इतनी अच्छी हमारी बात चल रही है और सुंदर साथ को निंदा है। हमारे घर में कोई हमारी कोई सिफत गाए हमारे यहाँ लौकिक घर में परिवार में, और कोई हमारी प्रशंसा करे, तो हम कैसे कान देकर सुनते हैं कि कैसी बात हो रही है, ध्यान से सुनते ना, फिर हम कोई वचन छूट जाते तो फिर हम दोबारा पूछते क्या बात हुई, चुपके से पूछते ना कि क्या बात हुई, हमारे बारे में कोई बात हो रही है क्या, ऐसे हम पूछते ना। तो क्या शास्त्रों में हमारी साक्षियाँ लिखवाई, शास्त्रों में हमारा गुणगान लिखवाया, शास्त्रों में हमारी प्रशंसा और सिफत लिखवाई, संसार के परिवारों ने क्या हमारी इतनी छोटी सी किताब भी लिखी, इतने साल गंवा दिए संसार के पीछे, परिवार के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, बच्चों का पालन पोषण, पति सब, सास ससुर सब, घर परिवार के पीछे कितना जीवन लगा दिया, खत्म कर दिया, जाने की तैयारी हो गई, जाने का समय आ गया। क्या हमारे बारे में छोटी सी दो पृष्ठ वाली भी कोई बुक लिखी गई? इतना नहीं, पड़ोसी में भी हमारे बारे में कभी भी प्रशंसा कोई किसी ने की नहीं, तो भी बस उसी के पीछे खत्म ही होते जा रहे, और आज हमारी सिफत यहाँ गवाही रही है, और हम कैसे ऐसे निराश होके बैठे हैं। हम सबको यह विचार आता होगा कि तभी हम थोड़ी थे। क्या राज जी ने बताया, और आगे जन्मेजय राजा ने पूछा कि क्या निशानी है, सुनिए। एक पुरुष बिना देवी देवता न ध्याय। क्या बताया, एक पुरुष मतलब अक्षरा तित, एक परब्रह्म, एक सच्चिदानंद के सिवा वो अन्य किसी देवी देवता, पत्थर, अग्नि, गोबर, वृक्ष, पेड़ ऐसी आदि जड़ पूजा में
वो नहीं करेगी। एक परब्रह्म के आश्रय में रहने वाली पतिव्रता पणे एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाली ये मेरी ब्रह्मात्मा होगी। तो हम स्वयं अपने अंदर भीतर जाके हम स्वयं अपने को पूछ ले, क्या इस राह पर हम चल रहे हैं? क्या इसी रूप में हमें धनी ने हमें धनी को पहचाना है क्या? तो यहां ये साक्षी हरिवंश पुराण की दी। और आगे जाके सुंदर साजी हम प्रसंग में आगे बढ़े तो इस बात की बताया कि और अन्य धर्म ग्रंथों में, वेद में, उपनिषदों में और 18 पुराणों में और अन्य धर्म ग्रंथों में, बहुत से धर्म ग्रंथों में हमारी साक्षियाँ लिखवाई। मैंने एक दिन ब्रजराज की लीला चल रही थी ना हमारी, दूसरे या शायद तीसरे दिन, तभी मैंने बताया था कि सुंदरसा जी आपको पता नहीं है, मैं बताऊँ आपको, अभी याद विस्मृत हो गई है ना, आपको ताजी हो जाएगी। यूपी का गोकुल मथुरा यहाँ है ना, यूपी में हमारी जो लीला घटित हुई ब्रज वाली, वो तो कालमय ब्रह्मांड का लय हो गया था, ठीक है, फिर ये प्रतिबिंब का कालमय का ब्रह्मांड बना और यहाँ 7 दिन की गोकुल की और 4 दिन की मथुरा की जो गौलों की शक्ति की जो यहाँ लीला हुई, ये तो प्रतिबिंब की है। ये हमारी जो लीला पहले हुई थी असल वाली लीला ये नहीं है, ठीक है। तो सुखदेव मुनि ने जो भागवत के 10वें स्कंद में जो परब्रह्म रस का जो अखंड ब्रजरास का जो वर्णन किया है, पारब्रह्म का यही ग्रंथ सी मद्भागवत के अंदर 10वें स्कंद में 35 में इसमें 30 ब्रज लीला और 5 रास लीला का जो वर्णन किया है, उसी के आधार पर ध्यान से सुनिए। और कल हमने ये भी सुना कि राधा वल्लभ संप्रदाय जो वल्लभाचार्य जी ने चलाया पुष्टि मार्ग संप्रदाय, उसी में बाके बिहारी श्री कृष्ण और बाल मुकुंद की सेवा होती है। तो वो जो इस मथुरा और गोकुल को और बरसाना और जो गोवर्धन ये जो भी इसी लीला को लेकर यहाँ जो शोभा बनी है, यहाँ ये लीला को जो मानते हैं, वहाँ जाके वो चरणामृत लेके आते हैं, मिट्टी का जो पेंडा बनता ने वो लेके आते हैं और रोज अपने घर में एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा काट के रोज चरणामृत के रूप में वो लेते हैं। किसकी मिट्टी हो जो रमण रहती है वहाँ सब अंदर मिट्टी में लोट प्रोट होते हैं और वो मिट्टी को क्या मानते हैं कि आज से 5000 साल पूर्व यहाँ हमारे आराध्य कृष्ण की गोपिका सखियों के साथ जो लीला हुई थी, उस भूमि का क्या महत्व है, क्या गरिमा है, उसी को लेकर अखंड ब्रजरास की तो उसको पहचान ही नहीं है। ये मैंने कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से बताया था, सुनो रे मिठड़ी वल्लभाचार जवानी, अर्थ लिए बिना जाय अंधेरी, करत सबों को फानी। उसमें मैंने बताया था कि तुम कौन, कौन कृष्ण जी, कहाँ से आए, ये उसको अखंड गौलोक का तो पता ही नहीं, लेकिन उस जगह की, उस स्थान की उसके दिल में क्या गरिमा है, क्या महत्व है कि वहाँ से मिट्टी के पेंडे लेकर ये चरणामृत के रूप में रोज लेते प्रसाद के रूप में। तो सुंदर साची उसने क्या माना है कि वहाँ हमारी लीला हुई थी। देखो तो हमारा मतलब हमारी क्या गरिमा है, हमारी क्या प्रशंसा है। धर्मशास्त्रों में उसी के अनुसार ये संसार के आज अन्य मत पंथ वाले हमारी धूलि के प्रसाद ले रहे हैं, ले रहे ने, उसको थोड़ी पता है ये तो हमारी लीला हुई थी, वो तो ब्रह्मांड भी लय हो गया, लेकिन भागवत को सुनकर ये धूलि का भी प्रसाद ले रहे हैं। कितनी प्रशंसा धर्मशास्त्रों में हमारी। इतना नहीं और भी एक चौपाई बताऊं कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण
कई विध करी तपस्या, यो कहवत वेद वचन। हमारी ब्रह्मात्मा की चरण धूली कौन खोज रहे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और कई विध करी तपस्या, और आप माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता खोल के देख लीजिए, और प्रकाश ग्रंथ में भी राज जी ने बताया है कि विष्णु भगवान कई हजारों साल से तपश्चर्या करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी आ गए और पूछा कि पतिदेव आप किसका ध्यान करते हो? और ऐसे ब्रह्मा जी पुष्कर द्वीप में कई युगों युगों से, और कृष्ण जी जब इस संसार में विष्णु भगवान के जीव जन्म लेने वाले थे, उस पर अक्षरातीत का आवेश आने वाला था, उसको पता चला ब्रह्मा जी को, तो जब कृष्ण जी विष्णु भगवान के जीव देवकी के गर्भ में थे, तब कितने साल ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तपश्चर्या की, और जब जन्म लिया विष्णु भगवान के जीव ने, उसी के अंदर गौलों की शक्ति बैठ गई और अक्षरातीत की आवेश शक्ति भी बैठ गई। बाद में पहचाना ही नहीं, क्या करा ब्रह्मा जी ने, क्या किया? कृष्ण की परीक्षा, गोपबालकों के साथ बैठे थे ना वन में, जूठा जब पतल से खा रहे थे मक्खन सब, तो परीक्षा ली ने, पहचान नहीं पाए। और आप भोग में भी बोलते हो, कोटि यतन ब्रह्म मा करी थाके, कोटि यतन ब्रह्म मा करी थाके, सो जूठन नहीं पाए हो वाला मारा, सो जूठन नहीं पाए हो वाला मारा, सो जूठन धनी सहज कृपा, सो पांच मनीष दिन पाए हो वाला मार। फिर ब्रह्मा जी कौवा बने, क्या प्रसाद के एक कण भी मिले? ब्रह्मा जी मछली बने, क्या प्रसाद के एक कण भी मिले? और आज आप ये वाणी सुंदर सा जी संसार के लिए खुली हो गई, सुनियो दुनिया आखिरी जो भाग बढ़े तुम। राज जी ने संसार में खुली, अरे अभी तो मीडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हर एक एक घर में, चाहे टीवी के माध्यम से देख लो, मोबाइल के माध्यम से देख लो, और मोबाइल के अंदर डाउनलोड की हुई सुंदर सा जी राज जी की वाणी आप खोलो और सीधा ही पढ़ सकते हो। कहने का भाव कि घर घर पे ये वाणी पहुंच गई। यहाँ क्या बताया? सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा, सो सहज पा लिया ने हमने तो, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई जोगारम नहीं, कोई कष्ट नहीं, और सहज पा लिया। तो ऐसी सुंदर सा जी हमारी बहुत सी साक्षियां धर्म ग्रंथों में लिखवाई, पुराणों में लिखवाई, तो भी न लगिया कलेजे घाव, एते गुण धनी तेरे सुने और सहे। यहाँ आगे श्री जी ने बताया कि जो तुम ग्राहक हो, वस्त्र के अधिकारी हो, अखंड की वस्त्र देनी है, पात्र वगर शेरनी का दूध कहाँ टिक सकता है? शेरनी का दूध कहाँ टिक सकता है? सोने के पात्र में, पात्र ही लोहे का हो तो कैसा होगा? स्टील का, लोहे का हो तो क्या होगा? दूध अंदर नहीं रह पाएगा ने? बताया कि हे ग्राहक हो, हे संत जनों, हे आचार्य जनों, जो आप इस वस्त्र के अधिकारी बनने चाहते हो, योग्यता प्राप्त करना चाहते हो, तो आप ध्यान से सुनिए। अभी श्री जी संप्रदाय पद्धति सुंदर सा जी शुरू करने जा रहे हैं, तब
कृपा के सागर, मेहर के सागर, हमने बोला हमने कृपा निध सुंदर वर श्यामा। और ये राज्य ने संत जनों को आचार्य और अनंत अनुयायी वहाँ बैठे थे उसी पर श्री जी ने दृष्टि डाली, सबको प्रेम भरी नज़र से भिगो दिया और सबके अंदर ये अखंड ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जाए, रस जाए और आगे श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब वेद का कथन, स्मृति मतलब मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों के कथन के माध्यम से श्री जी ने अपने संप्रदाय की जो पद्धति है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तीन थे परे, चेतन चीद जो अनूप, सिसेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान। पहले हम पद्धति गाले, ठीक है। गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिवता साधन मान, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तार तम सोई, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नवतन मम जोई, अठो तेर सो पख शाखा सही, साला है गवलो, सतगु चरण कुक्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु जोय, वेद हमारो समय, तीर्थ जमुना सोय, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, कर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री देव चंद्र जी निजानंद, तीन प्रगट करी संप्रदाय, तीन ते हम अब लखी है, द्वार पावे अब ते, हम द्वार पावे अब ते, सतगुरु ब्रह्मानंद है। बोले श्री प्राणनाथ, या धाम धनी निजानंद संप्रदाय की पद्धति, सतगुरु ब्रह्मा नंद है। कौन है सतगुरु हमारे? जो सत चिद और आनंद के स्वरूप, ध्यान से सुनिए इस पद्धति को, जो सत चिद और आनंद के स्वरूप है, उसमें सत कौन है, चिद कौन है और आनंद के स्वरूप कौन है? वैसे तो सचिदानंद एक है, लेकिन सत अक्षर ब्रह्म, चिदगण स्वयं श्री राज जी और आनंद स्वरूप श्यामा जी, तीनों मिलकर सच्चिदानंद एक ही स्वरूप है, लेकिन सतगुरु ब्रह्मा नंद है। यह आनंद के स्वरूप पर ब्रह्म, सतगुरु ब्रह्मा नंद, ब्रह्म का आनंद कौन है? श्यामा जी। तो श्यामा जी इस संसार में अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा, अक्षरातीत की अर्धांगिनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी इस संसार में आई, आई ने
आज से 432 साल पूर्व इसके साथ हम सब आत्माएं आई। तो जो श्यामा जी जिस तन में आई, किस तन में आई, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के नाम से जाना गया ने, तो धनी देवचंद्र जी के तन में सुंदर बाई श्यामा जी स्वरूप मतु मेता घर अवतार। तो सुंदर बाई श्यामा जी स्वरूप देवचंद्र जी के तन में विराजमान हुए, वो अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा है। इसलिए आप बताएं कि ब्रह्मा आनंद, ब्रह्म की आनंद स्वरूपा तो कौन है। तो इसीलिए हम जब तीसरा दर्शन देवचंद्र जी को हुआ और चाकला मंदिर में चर्चा प्रारंभ की, उसी के बाद हम निजानंद चार्य सतगुरु धनी देवचंद्र जी कहने लगे, कहने लगे ने, तो यहाँ क्या बताया, सतगुरु ब्रह्मा नंद है, जो आनंद के स्वरूप पर ब्रह्म वही हमारे सतगुरु है। तो यहाँ श्यामा जी भी पर ब्रह्म की आनंद स्वरूप है, तो दोनों को साथ में यहाँ बताया ब्रह्मा नंद है। तो यहाँ स्वरूप वाले आनंदमय स्वरूप वाले ब्रह्म ही हमारे सतगुरु है। सूत्र है अक्षर रूप, अक्षर ब्रह्म सूत्र स्वरूप है। और आगे क्या बताया, शिखा सदा इन थे परे चेतन चिद जो अनुप, और अक्षर से भी परे, ध्यान से, अक्षर से भी परे अक्षरातीत की जो चिदगन शोभा है वही हमारी शिखा है। शिखा किसको कहते हैं, एक मंदिर, मंदिर पे पर कलश, कलश पर जो ध्वजा के रूप में जो शिखा ऊपर की चोटी को बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या बताया कि अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत का जो मूल चिदघन, तो मूल जो स्वरूप है वही हमारी शिखा है। और आगे चेतन चिद जो अनु, क्या बताया, वो हमारी शाखा है। तो यहाँ तैतृय उपनिषद का एक प्रमाण बताया गया है कि आनंदो ब्रह्म इति व्यंजनात्, ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म आनंद के स्वरूप है, परब्रह्म प्रेम के स्वरूप है। और अक्षर को सूत्र क्यों कहा गया, क्योंकि एक सूत्र ये प्रकृति का है और प्रकृति के सूत्र को भी सूत्र कौन है, अक्षर, और मिडल माध्यम में कौन है, अक्षर। तो ये अक्षर की ज्ञान धारा जब इस संसार में आती है तो अक्षर ब्रह्म बीच में ये सूत्र के रूप में है। और आगे और बताया कि सेवन है पुरुषोत्तम गौत्र चिदानंद जान, हम किसका सेवन करते हैं, हमारे आराध्य कौन है, क्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत, ये हमारे प्राणों के प्रीतम है, ये हमारे प्राणों के नाथ प्राण नाथ है, ये हमारे प्राणों के प्राणे से, ये हमारे प्राणों के जीवन है, ये हमारे प्राणों के प्राण घन है। इतना नहीं, आगे बताया कि उसका प्रमाण कहाँ दिया गया है, ये हम आगे देखेंगे कि हमारा आराध्य वो उत्तम पुरुष है, सेवन है पुरुषोत्तम। तो हम किसका सेवन करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसको प्रेम करते हैं, हम किसको रिझाते हैं, या हमारी भक्ति कोई नौ प्रकार वाली नहीं है, हमारी भक्ति कैसी है, नौ प्रकार से परे की, नवधा से न्यारो कहियो, चौदह भवन में नहीं, सो प्रेम कहाँ से पाइयो, प्रेम वाली नवधा से न्यारी भक्ति है। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंजा, हमारा गोत्र कौन है, चिदा नंद है। और आगे बताया परम किशोरी इष्ट है, किशोर स्वरूप वाली श्यामा महारानी हमारी
इष्ट है, हमारा इष्ट कोई दूसरा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई ब्रह्मा जी नहीं है, कोई शिव जी नहीं है, कोई संसार के और अन्य देवी जो 33 करोड़ के नाम पर हिंदू समाज जो पूजा विधि कर रहे वो हमारे कोई नहीं है। हमारे इष्ट हमारे आराध्य कौन है? ये श्यामा महारानी किशोर स्वरूप वाली। और हम शनिवार की परिक्रमा में भी बोलते हैं मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरखी सखी सचिदा नंद जोरी भूम तले की निरखी छवि न्यारी सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। कितनी सुंदर बात इस परिक्रमा में लिखी है शनिवार की। मूल स्वरूप किशोर किशोरी परम धाम में हमारा युगल स्वरूप का क्या स्वरूप है? किशोर वही का, जिसको कुरान में अमृत सूरत कहा गया है। किशोर वही का नहीं बूढ़ा नहीं बच्चा, वहाँ तो उम्र का कोई मतलब सीमाई वहाँ कोई ऐसा नहीं कि वहाँ फिर उम्र के बाद किशोर वही के बाद फिर अगर पौध हो गए फिर वृद्ध हो गए वहाँ कोई उम्र के स्थान नहीं। वहाँ कैसा है? अनादि काल पहले जिस स्वरूप में हम थे वो आज भी है और अनादि काल के बाद भी हमारा वही किशोर वाला ही स्वरूप रहेगा, उसको कहते हैं पूर्ण। अनादि काल पहले भी जिस अवस्था में हो आज भी हो और अनादि काल के बाद भी वही अवस्था में रहे उसको कहते हैं किशोर अवस्था और पूर्ण अवस्था वाला, उसमें कोई परिवर्तन और कोई विकृति नहीं है। यहाँ आगे बताया कि परम किशोर इष्ट है प्रतिवत्ता साधन मान हम अनन्य प्रेम लक्षणा, भक्ति के द्वारा हम परब्रह्म की सुंदर सा जी भक्ति करते मतलब उसको प्रेम सेवा करते हैं। हमारी कोई सेवा पूजा नहीं, पूजा नहीं बोली जाती, हमारी सिर्फ सेवा होती है। पूजा तो हम थोड़े कर्मकांड भी साथ में करते ना, कोई मतलब भोग लगाना या आरती करना या बागा वस्त्र श्रृंगार बदलते, तो ये कर्म वाली भक्ति को पूजा कहा गया, लेकिन राज्य की तो सेवा होती है। ये भी प्रेम से रिझाने की सेवा होती है, दिल से रिझाने की सेवा होती है। तो यहाँ अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति ये हमारी भक्ति है। और सुंदर सा जी परम धाम में ब्रह्मात्माओं का मतलब हमारी आत्माओं का जो दिव्य परात्मा नूरी तन है वो कैसा है? तो राज्य का प्रेममय तन है, चिदघन का प्रेममय तन है। वो प्रेममय तन फिर हम बोलते ना श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ रे निरखी हरखी ओ मांगयांगन मायरे, ऐसे बोलते ना हम। तो हम किसके अंग है? श्यामा जी के। और राज्य के अंग कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी के अंग हम है ना। तो हमारा जो परम धाम में परातम तन प्रेममय जो तन है ये राज्य का तन है और उसी के अंदर श्यामा जी का आनंद। तो चीदा नंद या क्या बताया कि परम गोत्र चिदानंद जान परम किशोरी इष्ट है पतिवत्ता साधन मान। तो अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष हमारी आत्मा के प्रियतम है। उसका प्रमाण गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें नंबर के श्लोक में ये प्रमाण दिया गया है। ध्यान से सुनिए। द्राविम पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच्च क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्या परमात्मा इति उदायते। क्या बताया? द्राविम पुरुष लोके इस संसार में दो पुरुष कहे गए। क्या? एक क्षर और दूसरा अक्षर। सर क्षर कैसा है? ये नाशवंत है।
और ये जो संसार बना है ना, आप जो अपने नेत्रों से देख रहे हो, भौतिक नेत्रों से, पाताल से लेकर नारायण तक का पूरा क्षर जगत है, जहाँ हर क्षण एक एक पदार्थ में, एक एक बालू के कण में परिवर्तन बदलाव आ रहा है। हर पल में एक एक कण कंपमान हो रहा है। ये बदलाव तो सृष्टि का बनने का कारण बनता है, सृष्टि फिर क्रिएट होती है, सृष्टि फिर बनती है। जो ये कंपमान एक दिन रुक जाएगा, ये परिवर्तन बदलाव रुक जाएगा, तो सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ क्या बताया, क्षर किसको कहते हैं, जो नाशवंत है। और यहाँ क्षर से परे अक्षर, जो अविनाशी है, जो कुटस्थ है, जिसको योग माया ब्रह्मांड में जो उसकी लीला, सत्ता की जो लीला हो रही है, वो अक्षर है। और अक्षर से भी परे अक्षरातीत, ये कौन है, ये हमारे आराध्य है। ये प्रमाण गीता के बताए। और उसी के बाद सुंदरसा जी, एक गीता के और भी प्रमाण है कि ये अक्षरातीत को प्राप्त करना हो तो कैसे पाया जाता है। और प्राणना जी की वाणी में भी ध्यान से सुनिए, प्राणना जी की वाणी में भी बताया कि ना ही उनमें साध संत, ना ही अप्रस आकार, मैं नहीं साध हूँ, नहीं मैं संत हूँ, नहीं जो तुम एक आचार विचार का, नियमों का पालन करने वाले, छुत अछूत को मानने वाले, कर्म कांडी में भी मैं नहीं हूँ। मैं किसी से प्राप्त नहीं होगा, मैं किससे प्राप्त होऊंगा? ये राज जी ने यही प्रकरण में भी बताया है कि भाई मैं एक प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त होगा। तो यहाँ एक गीता के और भी श्लोक बताए हैं कि ना हम वेदम न तपसा न दाने न चेजिया भक्तया तो अनन्या शक्य अहमेव विद्य अर्जुन। क्या बताया, मैं दान से प्राप्त नहीं होगा, मैं वेदों का मंत्र उच्चारण करेंगे या पाठ करोगे, कोई ओम हवन यज्ञ चाहे जितना भी वेदों के मंत्र उच्चारण से आप जितना भी कर्मकांड कर लो, इससे भी मैं नहीं मिलूंगा। देखो राजी ने सब बातें नगण्य कर दी। गीता, ये गीता कह रही है, वाणी में तो आया, गीता ये उपदेश दे रही है। तभी तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में योगेश्वर ने बताया था। आज श्री प्राणनाथ जी इसी समय हम इसका प्रमाण लेकर हम सब सुंदर साथ और संसार के अन्य जीवों को भी बता रहे, संदेश दे रहे कि नहीं दान से, नहीं व्रत से, नहीं यज्ञ से, नहीं पूजा पाठ से, नहीं तीर्थ स्थानों की यात्रा से मैं कहीं से प्राप्त नहीं होगा। और आगे क्या बताया कि मैं केवल एक प्रेम लक्षण भक्ति से प्राप्त होगा। और आगे श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोय ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोय। श्री युगल किशोर को जाप है। हम किसका जाप करते हैं, परमधाम में मूल मिलावे में जो मूल स्वरूप युगल स्वरूप श्री राज श्यामा विराजमान है, उसका हम जाप करते हैं। जाप करना मतलब माला घुमाना, हाथ में माला लेकर और एक एक मनके को ऐसे घुमाना, फिर 108 हो गई, फिर 11 माला हो गई, फिर ये छोड़ देना, फिर ये माला, फिर दूसरे, तो वहाँ हमारा मन लगता रहेगा। सुंदर साथ जी तो राज जी के चरणों में कब लगेगा, राज जी के स्वरूप के उस लीला के उस शोभा के अंदर कैसे डूबेगा। यहाँ कोई माला घुमाने की बात नहीं है, यहाँ कोई मंत्र जाप या कोई और कर्मकांड करने की बात नहीं है। यहाँ नाम माला उर्धारो रे साधो भाई, नाम माला उर्धारो। तो उसी में क्या कहा गया है, एक हमारी गौरी के अंदर हम बोलते हैं ना, नाम माला उर्धारो रे साधो भाई,
नाम माला और धारो। तो हम ये सुन के भी माला घुमाने का अंदर एक भाव ले लेते हैं, सुंदर सा जी ये माला नहीं, हमारे अंदर से ऐसा जाप हो कि हम जैसे चितवनी करने के लिए बैठते हैं ने, तो अंदर से हम तारतम का मौन जाप करते, हमारी हमारा होठ भी ना हिले और हमारी जिहिया भी ना हिले और आंतरिक रूप से अंदर का जाप हो। और ये जाप भी कोई ऐसे रोज एक प्रण या नियम नहीं बनाना कि भाई आज मैं 108 तारतम का जाप कर लूँगी, आज मैं 108 षोडाक्षरी मंत्र का कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत वाला मैं आज जाप कर लूँगी, इसी से कुछ बनने वाला नहीं है। माला फिरते झुक भया सुंदर सा जी, और माला तो कर्मे फिरे और मनुआ फिरे चौ दिस। कबीर साहब ने क्या कहा कि माला तो कर्मे फिरे और मनुआ फिरे चौदिस। माला कहाँ फिर घूम रही है, हाथ में, और मन कहाँ घूम रहा है, चारों ओर। तो ऐसी माला करने से कोई फायदा नहीं है। यह माला का क्या भाव बताया गया सुंदर सा जी, माला मतलब राज्य का अंदर चिंतन, स्वाध्याय, आत्ममंथन, रोज अंदर हमारे अंदर जो भी हमें वाणी पढ़ी उसका चिंतन करो, उस भाव में डूबो और राज्य युगल स्वरूप की चितवनी में डूबो, उस शोभा में डूबना, उस श्रृंगार में डूबना। तो इस युगल स्वरूप के शिवा हम किसी का जाप नहीं करेंगे, नहीं नाद योग करेंगे, नहीं मंत्र योग करेंगे, नहीं जप योग करेंगे, नहीं राजयोग करेंगे, हम कोई योग नहीं करेंगे, एक निजानंद योग करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, क्या करेंगे, निजानंद योग। हमारा निज का जो आनंद है वो कहाँ है, आत्मा के धाम दिल में वो युगल स्वरूप बैठे है, और वो चितवनी योग द्वारा हम इस युगल स्वरूप को देखेंगे। उसको बोला कि युगल किशोर का जाप है, और हमारा मंत्र क्या बोला, मंत्र तारतम सोए, हमारा मंत्र तारतम है, तारतम, तार का अर्थ तारनार, पार उतारनार, और तम मतलब अंधकार, संस्कृत का शब्द है, तम मतलब अंधकार। ये 14 लोक अंतर्गत जो अंधकार था, अज्ञानता फैली हुई थी कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, इस संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, ये किसी को इस संसार में पता नहीं था, मालूम नहीं था कि हमारा असल घर, निज घर कहाँ है, उसकी पूर्ण पहचान, आत्मा की जागृति उसको कहते हैं तारतम। और तारतम कोई एक षोडाक्षरी मंत्र वाला एक पंक्ति का नहीं, या एक चौपाई का नहीं, या एक चौपाई के बाद फिर 6 चौपाई मिलाकर हम बोलते, वैसा वो 6 चौपाई वाला भी मंत्र नहीं, और उसका विस्तार हुआ 112 चौपाई प्रगटवाणी। ध्यान से, ये 112 चौपाई वाली प्रगटवाणी वाला भी तारतम नहीं, यहाँ फिर उसका विस्तार हुआ 18,758 चौपाई, वो तारतम वाणी। तो तारतम को तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार, पैया देखा या पार का, और पार के भी पार, तो तारतम का तारतम। यहाँ भले सिर्फ तारतम की बात कही है कि मंत्र तारतम सोई, लेकिन तारतम का तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार क्या उसका भाव है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जो वाणी है वो तारतम का भी तारतम। अंतिम जो निज बुद्धि द्वारा अवतरित हुआ उसी के आधार से हमारी आत्मा की जागृति होती है और राज्य की
पूर्ण पहचान होती है और हमारी मार्फती स्वरूप की जो पहचान करने के लिए हम आए थे उसको तारतम का भी तारतम कहा गया। और एक चौपाई और भी है कि तारतम लिया ये पियू दो बेर और तो भी तू खांगड़ू बनकर सोया रहा। दो बेर क्या कहा, एक बार सतगुरु धनी देवचंद्र जी के समय में जो चाकला मंदिर से जब श्याम जी मंदिर के अंदर जब सुनने के लिए राज मंदिर से जाते थे ना कथा सुनने के लिए, तब जब तीसरे दर्शन में जब वार्तालाप राज जी के साथ दो घंटे तक हुआ, उसी के बाद जो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत वाली जो चौपाई उतरी भी लाए दो बेर, और इसके बाद दोबारा क्या इंद्रावती के धाम दिल में जो ये चौथे दिन की जो लीला हो रही थी, ये श्यामा जी स्वरूप सब शक्तियां पांचवें दिन में महामती के धाम दिल में बैठकर जो लीला आगे बढ़ी और जागृत बुद्धि अंदर थी और आगे निज बुद्धि आके और जो वाणी उतरती गई खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की, तो ये दोबारा तारतम मतलब अंतिम वाणी उतरने तक की जो शोभा है उसको कहा गया पियु लाए दो बेर। वैसे तो तारतम लय श्री राज पधायरा थयु ते सर्वने जान, ये भी कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से बताया और भी बताया थे कि तारतम का यही रस चढ़िया जहर उतारे निर्विष्की काया करे जीव जागे करारे। ये तारतम वाणी का रस हमारे अंदर जन्मों जन्मांतर के जो विकार चढ़े हुए हैं वो उतार देंगे। और इतना नहीं और भी आगे बताया, ये तारतम वाणी रस कर पिलाइए जाको झेर चढ़िया हुए जिमी का सुख हो गए ताको। तो ऐसे तारतम मंत्र तारतम सोई ब्रह्म विद्या देवी सही। हमारी देवी कौन है, ये ब्रह्म विद्या, ये तारतम वाणी, ये अखंड ब्रह्म वाणी, ये कुलजुम स्वरूप साहेब, ये हमारी देवी है। कोई अभी काल्पनिक जो एक पत्थर की या सोने चांदी या कोई पंच धातु या लकड़ी या लोहे की अभी जो एक कोई कारीगर हिकमत से अपनी कला से बनाते और आज हिंदू समाज जो पूज रहे थे 30 करोड़ देवी देवता के नाम पर, वो देवी नहीं। ये व्याख्या भी धर्मशास्त्रों में दी कि दिव्याति इति देव, जिसके अंदर दिव्य गुण है उसको कहते हैं देवी। लेकिन यहां किस देवी की बात कही गई, ब्रह्म विद्या दिव्य गुण से परे जो अखंड धाम की दिव्य परम धाम की राज्य के दिल का इल्म का सागर कहाँ आया है, रंग महल की उत्तर दिशा में मधुसागर, ये इल्म का सागर है। और किस रंग का है, ब्लैक रंग का, काले रंग का, वो जो इल्म का सागर वैसे तो अगाध सागर और अनंत सागर राज्य के दिल में उमड़ रहा था और उसमें से एक बूंद यहाँ आया, एक बूंद आया हक के दिल से दिन में कायम किए थिर चर, ये बूंद की सिफत क्यों कहूँ, ऐसे कई सागर हक के दिल में एक बूंद आया वहाँ से, जैसे पानी की बूंद उड़ती और उससे फवारे एक बारीक बूंद निकलती, इतना तो राज्य के दिल से यहाँ आया। उसमें से 18,758 चौपाई का ये सागर का ब्रह्म विद्या कुलजम वाणी का स्वरूप धारण कर लिया। तो ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोई, हमारी पूरी कौन सी पूरी है, नौतन पूरी।
नौतनपुरी किसको कहा जाता है? जिसने नया तन धारण किया, क्या जो पहले जामे देवचंद्र जी के अंदर राज्य का आवेश जो लीला कर रहा था, वो चौथे दिन की लीला पूर्ण करके नया तन महाराज ठाकुर के अंदर महामती के दाम दिल में विराजमान हुए, और जो दूसरा नया जामा धारण किया रूहल्ला आउसी दो जामे पहरसी, और दूसरे परम मुर्दार और दूसरा सतगुरु धनी देवचंद्र जी का तन धारण किया, और नौतनपुरी उससे पहले अवंतिकापुरी बद्रिकाश्रमपुरी द्वारकापुरी ऐसे तो बहुत सी पुरियाँ थी, लेकिन यहाँ ये पुरी की बात नहीं है। यहाँ नौतनपुरी नवा नगर, अभी का जो जामनगर नवा नगर है उसको नौतनपुरी, क्योंकि सब पुरियों में उत्तम जो अभी द्वारका अवंतिका उज्जैन ये जो पुरियाँ थी बद्रिकाश्रमपुरी उससे उत्तम पूरी नौतन मम जोय। तो यहाँ मैं अंतिम जो बात रखी कि बाकी जितनी भी संसार में पुरिया है वहाँ कभी भी कोई काल में कोई समय में ऐसा अवलौकिक ऐसा अद्भुत ऐसे परब्रह्म का ज्ञान ऐसी आत्माओं का ज्ञान, क्योंकि अवकथ कथा नौतन कहे इतना नहीं सुंदर साची और आगे कहूँ तो, क्योंकि पहले से धर्मशास्त्रों में साक्षियाँ थी कि परब्रह्म खुदा ताला वो स्वयं आएंगे और अपने धाम का अपने स्वरूप का अपनी लीला का अपनी आत्माओं का वर्णन वो खुद करेंगे, वो कोई कह नहीं पाएंगे। तो थोड़ी कोई संत मनीषी अवतार या महापुरुष कर सकते, तो कोई कर सकते नहीं, या अक्षरातीत स्वयं आए ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोई, ये ब्रह्म विद्या को ये अवलौकिक ब्रह्म ज्ञान को ये तत्व ज्ञान को अक्षरातीत धाम के धनी स्वयं मामती के धाम दिल में बैठकर ये वाणी कही, और ये वाणी जामनगर नवा नगर नौतनपुरी पहले भी जुदय हुआ पुरी जहाँ नौतन सब पुरियों में उत्तम हुई जो दंधन, ये मध्यपुरी कहावे नौतन जेनु नाम उत्तम चौदे भवन मा जहाँ वाला नो विश्राम। तो ऐसे नवा नगर नौतनपुरी और वहाँ जमनगर हबसा प्रबोधपुरी हमने जो सुन लिया है प्रसंग को, ये प्रबोधपुरी में अक्षरातीत की आवेश शक्ति ने महामती के धाम दिल में बैठकर ये परम धाम का जो अखंड ज्ञान का जो आवेश शक्ति से ये अवतरण करवाया, इसलिए पूरी नौतन मम जोय, इसलिए नौतनपुरी की महिमा यहाँ गाई गई है। और सुंदरसा जी अभी हमारी चार पांच तीन चार चौपाइया बाकी है, अब आज तो समय पूर्ण हो गया, चलो सुंदरसा जी चौपाई दोहराए ठीक है। श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतमा सोया ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोया पूरी नौतन मम जोया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।